ये देखिए नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों इस समय हम गांव बेगू के अंदर हैं और यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांव वालों ने अलग अलग जगह पर नाके लगा रखे हैं ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव के अंदर प्रवेश न कर सके। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये केवल एक गली है और यहां पर कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है उससे बिल्कुल पूरी तरह से पूछताछ की जाती है और इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि ये कहाँ से कोई रिश्तेदार है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में ये सैनिटाइज़र लगा हुआ है और पूरा सैनिटाइज होने के बाद ही अंदर जाने देते हैं और पूरा हजूम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, पूरे प्रिकॉशन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। और कोई भी गांव के अंदर से बाहर आता है या बाहर से अंदर की तरफ अगर जा रहे हैं तो उन लोगों पर निगरानी भी रखी जाती है और उनका बाकायदा रजिस्टर में नाम दर्ज किया जाता है। और ये केवल एक जगह नहीं है बल्कि पूरे गांव की जो परिधि है, गांव के चारों तरफ जो रोड है, अलग अलग गलियां हैं, उन गलियों में भी ये विशेष तौर पर प्रबंध किया गया है ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर न आ सके। नमस्कार। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग मतलब ये कब से शुरू किया है? कब से? हम तो 10 दिन हो गए लगभग जी। लगातार? हाँ जी लगातार। नहीं, लॉकडाउन तो 10 दिन से है लेकिन ये जो गांव के अंदर एंट्री लोगों की आना जाना जो है ये कब से किया है? ये दूसरे दिन ही चालू हो गया था लॉकडाउन से। ठीक है जी। अच्छा, पूरी से गांव के अंदर मतलब जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनकी एंट्री ही रोकी जाती है या कोई मतलब जो जैसे गांव के लोग बाहर आ सकते उनको रोका जा रहा है? ठीक है जी। 2 बजे के बाद बेगू एंट्री नहीं जाने देते बाहर। अच्छा, 2 बजे के बाद गांव के अंदर कोई नहीं जा सकता? कोई नहीं जा सकता, ना कोई बाहर आएगा अंदर जाएगा। अच्छा, तो ये कितनी जगह पर इस तरह के नाके आप लोगों ने लगाए? लगभग नाके जी हमारे गांव के। अच्छा, लगे हुए हैं जी। जब से ये मरकतवाड़ा हुआ ना जी। हाँ जी। जब से ये मरकतवाड़ा हुआ है ना दिल्ली के अंदर, दिल्ली वाला जो हुआ, दिल्ली वाला उसके बाद के अंदर जो हमारे गांव है, चाहे सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा स्टेट है, सभी ने इन्होंने सख्ताई कर ली है कि कोई बाहर का आदमी गांव के अंदर एंट्री ना करे, करे तो जांच से उसको जाने दे या आने दे। अच्छा, तो ये सभी उसके बाद में हुआ है। क्यों? ये सभी का विशेष यही बनता है कि इसमें खतरा बढ़ गया था, भी पता नहीं कौन आदमी कहाँ पे संपर्क में, कौन कहाँ पे आने वाला है। अच्छा, ये बात बताइए कि जो दिल्ली वाला ये जो मामला हुआ है उसके बाद गांव के अंदर बकायदा सरकार ने हिदायत दी है या अपने स्तर पे आप लोग कर रहे हैं? सरकार ने दी है, खुद गांव की सिक्योरिटी भी बहुत है जी। गांव की पंचायत है, गांव के नंबरदार हमारे नंबरदार भी खड़े हैं। ओके, तो ये इन्होंने पूरे हिदायत किए, इन्होंने गांव के अंदर 5 बार तो स्प्रे कर दी है। अच्छा, सैनिटाइजर की स्प्रे कर दी है, बिल्कुल मच्छर वगैरह गंदगी ना फैले। और इसमें भी हिदायत दी है, अभी हमारा जितना दायित्व यही बनता है कि हम जितना बन पाए अपनी तरफ से हम कंट्रोल, अपनी तरफ से सुरक्षा रखें, अपनी तरफ से सुरक्षा। अच्छा, सरपंच साहब भी आते रहते हैं? हाँ, सरपंच साहब आते, पूरी पंचायत आती है, पंचायत के मेंबर यहाँ खड़े हैं। अच्छा अच्छा, खड़े हैं पंचायत, पूरी पंचायत नहीं आती, वही सीधी बात है, कर देते हैं। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए कि आप, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश जी। हाँ जी, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप मेंबर हैं? हाँ जी, लड़का है। अच्छा, ये बात बताइए कि मतलब जो गांव के अंदर है, कुछ लोगों, अभी कल ही हमने सुना था कि दिल्ली और अलग अलग जगह से जो JCD के अंदर जो लोग आ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो भी यहां पर बता रहे हैं कि गांव के अंदर एंट्री कर रहे थे इसलिए उनको भी रोका गया है। हाँ जी, हाँ जी, रोका गया है। अच्छा, ये नहीं पता वो आए कहाँ से, हम उनको रोक देते हैं, अभी कहाँ से आए हो वो, कोई और गांव का बताता है, कोई रंगड़ी का, कोई अरनी वाले का, कोई नहीं नहीं नहीं, ये कुछ लोगों ने अभी हमें पता लगा था कि JCD से जो है कुछ लोग, गांव के ही लोग अंदर गाड़ी में बैठा करके लाए थे, जिसकी सूचना मतलब पूरे मीडिया में भी थी, लोग आने वाले थे लेकिन वो किसी कारण नहीं आ पाए, उसके बारे में थोड़ा आपको है मालूम? ना जी, उसके बारे में। अच्छा चलो। और ये कितना बजे तक आप लोग ये नाका रखते हैं? ये लगाएंगे 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक। अच्छा, रात को 10 बजे तक, उसके बाद में अगर जो कोई एंट्री करता है तो? उसके बाद में नहीं है जी, कोई नहीं आता। ठीक है, हाँ जी। मेंबर साहब, ये जो नाके लगा रखे हैं गांव के अंदर एंट्री गेट जहाँ पर भी हैं, तो ये कब से शुरू किया आप लोगों ने? ये हमने 4-5 दिन से शुरू किया जी।
अच्छा, क्या पर्पज है इसका, मेन मकसद क्या है, लॉकडाउन के दौरान है या कुछ? हम अंदर नहीं एंट्री होने देंगे गांव में। अच्छा, तो उसके लिए कैसे आप लोग देखते हो कि बाहर का आदमी है या? आधार कार्ड देखते हैं, गांव का है या बाहर का, आधार कार्ड देखते हैं फिर उसको ऐसे नहीं जाने। अच्छा, तो जमींदार लोग हैं ये बाहर जा रहे हैं और बाजार भी जाते होंगे? बाजार नहीं जाते, बस खेत में जाते हैं अपने टाइम से, पट्ठे पुट्ठे जब लेके बाजार आ जाते हैं 2 बजे के बाद बाहर निकले। अच्छा, 2 बजे के बाद गांव के एंट्री बंद है? एंट्री बंद है, गांव वाला नहीं बाहर आएगा ना बाहर जाएगा। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले पता लगा था कि गांव के अंदर कुछ JCD से लोग भी आ रहे हैं। नहीं नहीं जी, गांव के अंदर नहीं है कोई, कोई ऐसा नहीं, नहीं है। ये देख सकते हैं आप, गांव के अंदर जो है एंट्री, जहां पर भी एंट्री हो रही है वहां पर भी रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं गांव की तरफ से। और ये जहां जहां पर भी, आपने पीछे भी देखा था, और यहां पर भी ये गांव को जो है पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, लॉकडाउन कर दिया गया है। और जो भी गाँव के लोग हैं वो बाहर आते हैं तो उनको भी यहाँ रोका जाता है, और बाहर से कोई अंदर जाता है तो वहाँ विशेष तौर पर एंट्री रोक की जाती है। कितने समय में कोई बाहर आ सकता है? और यहाँ पर जो है 2 बजे तक ही इन्होंने एंट्री दी हुई है कि 2 बजे तक गांव के अंदर एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज जो है उसे अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ये देखिए, पूछ करके ही कोई जो है बाहर आ सकता है। ये चारों तरफ आप रोड सकते देख सकते हैं, बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल है। ये जो बेगू रोड इसे कहते हैं। नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। अच्छा सुनील कुमार जी, ये जो मैंने अभी देखा कि पीछे भी मैंने अभी रिकॉर्डिंग की थी तो वहाँ पर भी गलियों को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर भी है, ये कब से शुरू किया आपने? ये हमें पाँचवा दिन है जी। अच्छा, तो कैसे अंदर कोई अगर एंट्री करता है तो उसका क्या रहता है, क्या जाँच पड़ताल आप लोग करते हैं? हम उनका पहले तो प्रूफ देखते हैं जी, आदमी कौन से गांव का है। अच्छा, ये कहां से आया है, सारी डिटेल लेते हैं। अगर जिस पे हमें डाउट होता है उसको हम अंदर एंट्री नहीं करने देते, और प्रशासन के की मदद से उससे पे कार्रवाई भी करवाते हैं जी हम। अच्छा, प्रशासन ने भी इसके निर्देश दिए हैं? हाँ हाँ दिए हैं जी। ठीक है, तो कितने लोग इस समय यहाँ अलग अलग नाकों पे लगे हुए हैं? हमारे जी 7 बैरिकेड बनाए हमने, 7 बैरिकेडों पर हमने तकरीबन 4000 आदमियों की ड्यूटी लगाई हुई है। अच्छा, वो अपना सेवा कर रहे हैं, और जो तो बाहर से कोई आता है। मेन क्या कारण है, देखिए अभी तो लॉकडाउन है लेकिन फिर भी कोई ऐसा डर लग रहा है आपको, या कोई बाहर से कोरोना का मरीज यहाँ गांव के अंदर आया है, क्या देख करके आप लोग कर रहे हैं ये सर? यही जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अपने पूरा भारत लॉकडाउन है, हमने अपने बेगू को भी लॉकडाउन कर रखा है। अच्छा, हम प्रशासन की और अपने पीएम मोदी जी का साथ दे रहे हैं, अगर हम सभी गांव-गांव में ऐसा करेंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि 5 अप्रैल को रात को दिए जलाए जाएंगे, जिस तरह से पीछे बर्तन बजा करके और ये सब किया गया था, समर्थन दिया गया था, आप लोग भी करेंगे ये? हाँ सब जी, बिल्कुल करेंगे जी। यानी दूसरी दिवाली? हाँ जी, दूसरी दिवाली बिल्कुल जी करेंगे। बिल्कुल। ये देखिए, यहाँ पर भी जो है गांव से आने जाने वालों को रोका जा रहा है। इसमें क्या है कि ये देखिए, जो भी ये लड़के शायद बाहर से आए हैं, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको यहाँ पर रोका जा रहा है ताकि उनके बारे में पूछताछ की जा सके, वो लोग कौन हैं, उनके बकायदा यहाँ पर नंबर नोट किए जा रहे हैं, गाड़ी वाहन के नंबर नोट किए जा रहे हैं, पूरी जानकारी जो है यहाँ ली जा रही है। ये देखिए, इन्होंने यह पूरा एक सिस्टम चुंगी की तरह बना रखा है और पूरी जानकारी जो है यहाँ पर इनसे ली जा रही है। रजिस्टर में यहाँ इनका नाम नंबर वगैरह भी नोट किए जा रहे हैं। गांव के अंदर कोई भी बाहर का व्यक्ति जो है अगर आता है तो उसको यहां पर
जो है ये लोग रोक रहे हैं। ये बेगू गांव की सीधी तस्वीरें आपको जो है हम लोग दिखा रहे हैं।